Hey YouTube family, welcome back to the channel and welcome back to another new video. Today we have a Maruti Swift, जो नए वाला मॉडल आ रहा है, न्यू जनरेशन वो है. एंड गाड़ी की हालत आपके सामने है, फ्रंट से एक्सीडेंटल है एंड ज़्यादा डैमेज नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत डैमेज तो है ही. तो पहले आपको गाड़ी दिखाता हूँ, फिर इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गो. सो गाइस, हियर इज द कार. एज यू कैन सी, नई वाली स्विफ्ट है एंड आगे से एक्सीडेंटल है. तो बम्पर तो इसका पूरा ख़त्म है, बम्पर में तो कुछ बचा ही नहीं है रिपेयरिंग के लायक. बाकी अंदर से कुछ ऐसी हालत है, कुछ चीज़ें हमने इसकी खोली हैं, जैसे यहाँ पे एयर सक्शन की जो नोज़ल लगी होती है प्लास्टिक की, वो खोल दी है. और नीचे से अगर देखो तो रेडिएटर पूरा डैमेज है. इसकी जो ये लेग्स होती हैं आगे फ्रंट सपोर्ट की, टाई मेम्बर की, वो पूरी डैमेज हैं, दोनों तरफ से बेंड हैं. यहाँ से इसकी ये बॉटल लीक हो रही है, वाइपर की जो रिजर्वर होता है, वाटर रिजर्वर, वो लीक हो रहा है. एंड पूरा बीम अंदर चले गए. इधर से भी ये देखो, ये इट इज़ सपोज टू बी स्ट्रेट लाइक दिस, ये पूरी ऐसे हो गई है. तो यही मेन डैमेज है, हेडलाइट्स दोनों बच गई. एंड ये गाड़ी जिनकी है वो इंश्योरेंस में नहीं करा रहे, कैश में करवा रहे हैं. इधर की फेंडर लाइनिंग भी पूरी ख़त्म है. तो चलो इसका काम शुरू करते हैं. तो गाइस चलो इसका काम शुरू करते हैं, टाइम लैप्स शुरू करते हैं एंड वीडियो के एंड में बताऊंगा कि टोटल कितना खर्च आया. सो लेट्स गो. सो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे. तो स्विफ्ट वहाँ बाहर से आ गई है अंदर. तो बाकी इसका सामान तो कल ही खुल गया था, वो तो आपने देखा ही टाइम लैप्स में. एंड अभी हामिद भैया इसकी जो लेग्स हैं ये रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज इसका हमने फ्रेम पता किया, ये अकेली लेग्स नहीं आती. पहले मारुति में ना ये सिर्फ लेग्स अलग से मिल जाती थी नहीं, एंड आप उसको यहाँ वेल्ड कर सकते थे. अब ना ये आगे का पूरा, यहाँ तक का पूरा ये फ्रेम ही आ रहा है और वो दोनों तरफ का ये बहुत महंगे पड़ रहे हैं. तो ये लेग्स की हालत देखो कुछ ऐसी हुई हुई है, ऐसे पिचके हुए हैं. ये वाला, इसकी तो और बुरी हालत थी, तो बड़ी मुश्किल से इसको सही किया है. ऑब्वियसली जुगाड़ है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये जुगाड़ नहीं है, बट कस्टमर की चॉइस है, वो जुगाड़ करवाना चाह रहे हैं तो हम कर रहे हैं. ऑब्वियसली इसमें लेबर भी बहुत ज़्यादा लग रही है, बट उनकी विश है तो कोई बात नहीं. इसको रिपेयर कर रहे हैं अमित भैया, उसके बाद इसको वेल्ड करेंगे. नीचे का फ्रेम एज यू कैन सी ब्लैक वाला नया आ गया, जिस पे रेडिएटर टिकता है. इसका बम्पर भी आ गया है एज यूजुअल, मैं आज लेट आया हूँ हमेशा की तरह. तो बम्पर ये पड़ा है इसका, ये ब्लैक कलर का आया था, तो उमर भैया ने इसको पेंट कर दिया है ऑलरेडी मेरे आने से पहले. सो दिस इज़ ऑल पेंटेड मैचिंग टू द कार कलर. तो फिलहाल हामिद भैया को इसको सही करने देते हैं, एक बार ये वापस लेग्स अपनी शेप में आ जाएंगे उसके बाद फिर इसका जो लगने का प्रोसेस होगा उसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं. सो सीधा उस पर ही स्किप करते हैं. ओके पीपल, शाम हो चुकी है और इसका आज ये काम कंप्लीट हो गया है. ये दोनों लेग, ये वाली और ये वाली रिपेयर हो के वेल्ड हो गई हैं, लग गई हैं. और नीचे का जो सपोर्ट बीम है ये भी लग गया है, ये देखो. बट ये मारुति ने ना बड़ा गलत काम किया है कि ये जो चाइल्ड पार्ट है ना, पहले अलग से मिल जाते थे और अब उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया. अब क्या है,
ये पूरा लेग, ये पूरा पीस और ये जो पिलर आप देख रहे हो, ये जो अंदर तक जा रहा है, ये चेसिस का बीम, ये पूरा इतना बड़ा एक सेट आ रहा है। पहले ये सिर्फ आपको अलग से मिल जाया करते थे, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि अगर किसी का सिर्फ ये डैमेज है या ऊपर का डैमेज है तो ये पूरा ख़रीदना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पूरा इंजन उतारो, सब कुछ इंजन बे से डिसेंबल करो, पिलर जहाँ पीछे तक जा रहा है वहाँ से उसे काटो, नया लगाओ पूरा ये हिस्सा, विच इज़ रियली बैड, बिकॉज नीचे ही सिर्फ ये दो लेग हैं छोटी छोटी। तो मारुति ने ये अपने प्रॉफिट के लिए बड़ा गलत काम किया है, बट एनी हाउ हमने रिपेयर करके लगा दिया है, वरना अगर पूरा लेते तो ये सब खोलना पड़ता, पूरा इंजन, पूरा इंजन भी पूरा लोग खाली होता। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल आके देखते हैं इसमें और क्या क्या काम होता है। कल होपफुली गाड़ी रेडी हो ही जाएगी, बिकॉज अब कुछ है नहीं, बस असेंबल करना है रेडिएटर कंडेंसर वगैरह लगा के, एंड उसके बाद बम्पर फिट करना है। बम्पर मैंने आपको दिखाया था, पेंट हो चुका है। सो आई विल कैच यू टुमारो। The next morning. So guys, this is a day 3 and आज finally गाड़ी ready हो जाएगी। As you can see, ये जो हमने कल लगाया था black color का था नीचे का support beam, इसे paint कर दिया है, and जो ये भी लगाए थे leg repair करके उन्हें भी paint कर दिया है। ये पड़ा है इसका पुराना radiator condenser, तो जो fan है और fan का जो shroud है वो तो यही use हो जाएगा, ये सही है, ये bottle भी सही है, बाकी नया radiator इसमें है और नया कंडेंसर वो है अंदर गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। ये इसकी वाइपर वॉशर फ्लूड की बोतल भी आ गई है नहीं, और बम्पर मैंने आपको कल दिखाया था। तो यही है मोटा मोटा, और बाकी कुछ प्लास्टिक के पार्ट्स हैं जैसे वो पड़ा है ये वही यूज़ हो जाएंगे। तो चलो इसका असेंबली का टाइम लैप्स शुरू करते हैं। सो गाइस, एज़ यू कैन सी ये सब असेंबल हो गया है, बट अब बम्पर लगाने से पहले और फाइनल फिटिंग से पहले हम एसी यूनिट में प्रेशर डाल के देख रहे हैं कि कहीं लीकेज ना हो, बिकॉज सारे जॉइंट्स वापस लगाए हैं, नया कंडेंसर है। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, प्रेशर डाल के देखेंगे, अगर कहीं लीकेज नहीं मिली देन वील डू द फाइनल फिटिंग, अगर कहीं लीकेज मिलती है तो फिर उसे रेक्टिफाई किया जाएगा। ओके गाइस, नया बम्पर जो है वो असेंबल हो गया है, तो नया बम्पर है और बीच वाली जो ग्रिल है ये वाली ये नहीं है, बाकी ये पुराना है और ये वाला भी पुराना है नीचे का, बिकॉज़ ये पुराने बम्पर में सही थे तो वो वही लगा दिए हैं, मेन बड़ी ग्रिल नहीं है और बम्पर नया है, तो अब इसको फिट करते हैं। सो गाइस, एज़ यू कैन सी ऑल फिटिंग इज़ डन, बस संजीव भैया अब इसमें एसी गैस डाल रहे हैं, पहले हमने प्रेशर डाला था लीकेज चेक करने के लिए, अब वैक्यूम करके
इसमें वी आर पुटिंग इन एसी गैस, उसके बाद वॉशिंग करके कार विल बी रेडी। तो अब इसका मैं बिग रिवील तो क्या ही करूँ, आपके सामने ही है, रेडी हो गई है। तो पहले का एक शॉट देख लो। एंड नाउ यू कैन सी बस अब इसकी वॉशिंग होगी, क्योंकि ये ग्रिल पुरानी है तो इस पर मिट्टी है। पूरी गाड़ी की वॉशिंग करके भैया वो गाड़ी हैंड ओवर कर देंगे। तो आपको मैं दो सेकंड में बताता हूँ कि इसका टोटल बिल कितना बना। सो गाइस, एज यू कैन सी बिहाइंड मी, स्विफ्ट हो गई है वॉशिंग के बाद रेडी। अब बताता हूँ इसका टोटल बिल कितना बना, बिकॉज़ ये जिनकी गाड़ी है उन्होंने इंश्योरेंस में नहीं लिया क्लेम, उन्होंने सारा खुद पॉकेट से पे किया है। तो इसका जो टोटल बिल बना है वो है अराउंड 23,500 रुपीज़, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो इसमें रिपेयरिंग हुई, बम्पर पेंट हुआ, सारी लेबर, सारे पार्ट्स जो लगे, सो सब कुछ मिला के 23,500 रुपीज़। तो अगर किसी पार्ट का ब्रेकअप जानना, अब ये मत लिखना कि सबका ब्रेकअप बताओ, बिकॉज कमेंट्स में इतना लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसी पर्टिकुलर पार्ट का ब्रेकअप जानना हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइज़। अगर पसंद आई हो, यू नो व्हाट टू डू। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, पीस आउट।